नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देवर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की बात है फ्लैक्सीड ऑयल के ऊपर, यानी फ्लैक्सीड ऑयल, अलसी का तेल, इसके कैप्सूल भी आते हैं, ये ऑयल की फॉर्म में यानी तेल की फॉर्म में भी आता है। तो आप जैसा चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उस तेल को सीधे पी जाएं या फिर आप कैप्सूल खा लें, बात वही है। लेकिन तेल ऐसा नहीं है कि एक दो चम्मच, तीन चम्मच, एक गिलास पीना है, थोड़ी मात्रा में 5 बूंद 6 बूंद 8 बूंद जो कि एक बताया जाता है उस फॉर्म में लेना होता है। कैप्सूल में हमें सीधा सीधा ये पता चल जाता है कि मैं 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल 3 कैप्सूल कैसे खाने होते हैं, वो हमें पता चल जाता है। तो तेल का थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत बन जाती है, बाकी आप तेल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किन किन चीज़ों में काम करता है ये वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पहले नंबर पर मैं बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, फिर फाइबर भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन भी इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन ई जो कि चेहरे के लिए, त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप समझिए ये एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग खाना बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, खाना जो बनता है जैसे आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, उस रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है खाने में भी। तो अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियाँ ये ठीक कर देता है, क्योर कर देता है। पहले नंबर पर आप बात करें मधुमेह यानी शुगर यानी डायबिटीज़, अगर आपको इनकी समस्या है, इसकी समस्या है, तो ये आपको बहुत जल्दी आराम दिलाएगा, क्योंकि ये क्या काम करता है, खून को पतला करने का काम करता है, और जिससे आपका खून पतला होगा तो नेचुरली वो अच्छा फ्लो उसका होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, एनर्जी आपके अंदर बनी रहेगी, थकान सी नहीं रहेगी। शुगर वाले पेशेंट में आपने देखा होगा कि बीमार से रहते हैं, कहते हैं जी बुखार सा, तबीयत खराब सी, थकान सी, क्योंकि खून गाढ़ा हो गया है, खून गाढ़ा हो गया है तो वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, बह नहीं पा रहा है अच्छी तरह से, तो आपको वीकनेस बनती रहती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, दर्द रहता है, तो ये चीज़ें आपकी क्योर हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, खून गाढ़ा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल होता है मोम जैसा पदार्थ, खून में जम जाता है नसों में, तो खून क्या होता है, खून का प्रवाह कम हो जाता है, वही शुगर जैसी बात, खून का प्रवाह कम होता है। कोलेस्ट्रॉल में भी कहता है आदमी कि जी थकान सी हो रही है, कमजोरी सी आ रही है, गिरा गिरा सा शरीर हो रहा है, बीपी लो हो गया, बहुत सारी चीज़ें गिनवाता है वो, तो ये भी कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल को भी वो खत्म कर देता है। तीसरे नंबर पर जो बीमारी आती है हृदय रोगी यानी हार्ट के जो पेशेंट हैं, दिल के जो रोगी हैं, उनको भी ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, खून पतला करता है, तो खून जब पतला होगा तो अच्छी तरह से फ्लो होगा, तो जो दिल के मरीज हैं उनमें यही तो दिक्कत होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, खून अच्छी तरह से नहीं बह पाता है, नस ब्लॉकेज हो जाती है जिससे, और फिर हार्ट फेल हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए क्या करता है, खून को पतला कर देता है, तो इससे हार्ट की जो फेलियर की जो दिक्कत है वो भी खत्म हो जाती है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर बीमारी आती है वो होती है बालों की, अगर आपको बालों से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इसे आप बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल लीजिएगा जैसे आप लेते हैं और बालों पर इसे लगा लीजिएगा, बालों पर आप इसे डायरेक्ट लगा लें, अगर कैप्सूल भी खाते हैं तो भी फ़ायदा करेगा बालों को, ऐसा नहीं कि तेल लगाएंगे तभी फ़ायदा करेगा, कैप्सूल भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बालों को फ़ायदा होगा ही होगा। पाँचवें नंबर पर जो बोलते हैं कि जी स्किन की प्रॉब्लम है, ड्राई हो गई स्किन, बेकार हो गई, फटी फटी सी त्वचा हो गई है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक शोध में देखा था कि जी 12 हफ्ते तक ना लेडीज़ को ये कैप्सूल खिलाए गए, तो आप जानकर दंग रह जाएंगे, उनकी त्वचा का जो रंग था थोड़ा फेयर हो गया था। देखिए मैं ऐसी बात नहीं करता कि जी क्रीम लगाई गोरे हो गए, ये हो गए, लेकिन जो पहले उनका स्किन टोन था, रंग था बॉडी का, उससे बेहतर हो गया था 12 हफ्तों के कोर्स के बाद, ये वास्तव में ही सिद्ध हुआ है। और जो लगातार इसका सेवन कर रहे हैं उन्हें पता है कि क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। अगले नंबर पर बीमारी आती है अगर आपको एक्जिमा हो गया है, एक्जिमा ऐसा ही लगता है जैसे दाद से हो गया, दाद नहीं है लेकिन एक्जिमा अलग होता है, दाद क्या होता है केवल चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं अपनी बॉडी पर, लेकिन जो एक्जिमा होता है ये चकते तो इसमें भी होते हैं बट ये उभरी फॉर्म में होता है, उभरा उभरा फफोलेदार सी पपड़ी सी बनी हुई होती है, इसे बोलते हैं एक्जिमा। तो अगर आप अलसी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं फ्लैक्सीड ऑयल के, तो ये बीमारी भी आपको नहीं रहेगी, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, रामबाण औषधि है एक्जिमा के लिए। तो कितने सारे इसमें फ़ायदे छुपे हुए हैं अलसी के तेल में, फ्लैक्सीड ऑयल में। आप अगर तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, केवल कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उसे आसानी के साथ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले आइए, बहुत सारी कंपनी है, एक कंपनी नहीं है, फ़ायदा उतना ही होगा। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ दोस्त, इसे आपको लेना है 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम में, सादे पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं खाना खाने के आधा घंटे बाद, सुबह शाम आपको 1-1 कैप्सूल लेना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं, लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करते हैं, देखिए दिक्कत कोई नहीं आएगी, अगर आप लिमिटेड मात्रा में ले रहे हैं, अगर आप 2-2 3-3 कैप्सूल लेने लगेंगे और ज़्यादा मात्रा में नहीं ले लगेंगे तो हर चीज़ अति हर चीज़ की बुरी होती, दिक्कत करेगी। लेकिन अगर आप इसे कम मात्रा में लेंगे, 1-1 कैप्सूल ही लेंगे, 1 ग्राम आता है उस कैप्सूल में अलसी का तेल, अगर आप सुबह शाम 1-1 ग्राम लेंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप इसका लॉन्ग टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा।
दोस्तों इससे संबंधित अगर कोई भी बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।